कैमूर में सड़क सुरक्षा और शिक्षा के लिए पिछले 5 साल से देश के विभिन्न राज्यों में शहर से लेकर गांव तक ER11 द्वारा बुक बैंक सह सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत रविवार को समरणालय के मुख्य द्वार पर शिविर लगाकर बिना हेलमेट लगाए दोपहिया वाहन चालकों को मुफ्त हेलमेट एवं छात्रों को निःशुल्क किताब दी गयी। इस शिविर का उद्घाटन करते हुए आरक्षक अधीक्षक कैमूर दिलनवाज अहमद ने मुफ्त हेलमेट एवं निःशुल्क किताब दी। पर एक्सीडेंट होता रहता है और बिना हेलमेट के जो भी बाइक सवार होते हैं अक्सर ब्रेन हेमरेज या और तरह के शिकार हो जाते हैं और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। एक ऐसे हैं ये राघवेंद्र भाई, इनके एक दोस्त की मृत्यु इसी क्रम में हो गई थी। इनके द्वारा एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया जा रहा था कि बच्चों को के माध्यम से इसको अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया जा रहा था, जिसमें कि पुराने किताब के बदले हेलमेट दिया जा रहा था ताकि वो अपने गार्जियन को दे सके और जागरूकता हो सके हेलमेट के प्रति। आज इसी कार्यक्रम के तहत हम लोग सड़क पर जो बिना हेलमेट के जा रहे हैं उनको हेलमेट बांटने का कार्यक्रम कर रहे हैं और जो बच्चे किताब के बदले लेकर आए हैं पुराने किताब उनको भी हेलमेट दिया जा रहा है। एक जिला की टॉपर बच्ची है 10th की, उसी के माध्यम से ये कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। अभी यही कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सर, क्या संदेश है ऐसे लोगों के लिए जो बिना हेलमेट के चल रहे हैं? नहीं, हेलमेट पहन के भी चलना चाहिए। ये सड़क मतलब जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जो बाइक सवार है उनके लिए, बाल बच्चों के लिए ज़रूरत है, ताकि एक्सीडेंट हो जाने के बाद फिर ये लौट करके फिर जीवन आने वाला नहीं है। और हेलमेट लगाने से बहुत सारे जीवन बच जाते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद। क्यों कर रहे हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपको, और आज SP सर भी आए आज महुआ के अंदर, और ये लगभग 9 राज्य में कार्य चल रहे हैं। इसकी शुरुआत मेरे फ्रेंड से हुई थी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने अजय दिल्ली गया हुआ था, तो वो फाइनल ईयर में था, वो बाइक पे हेलमेट नहीं लगाने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी, तो हमने शुरुआत की थी। अब किताब का जो रहा, ऑलरेडी जो उसके घर में किताब पड़ी हुई थी तो वो मैंने किसी गरीब बच्चे को दिया हुआ था। जब 2 साल हमने हेलमेट बांटा था तो लोग ऐसे फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे थे, तो एक दिन फ़ोन आया अचानक उसकी माँ का कि सर आपका बुक दिया हुआ, मेरा बेटा डिस्ट्रिक्ट टॉप किया हुआ है। तब से मैंने उस दिन से प्रण लिया ऑलरेडी, अब जो मुझे किताब देगा उनको हेलमेट दूंगा। इस तरीके से हमने पूरे भारत में अभी